नमस्कार, सक्सेस वाइज चैनल पर अपना आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मेरा एक एक प्रश्न आप सभी से है, वो प्रश्न मैं आपसे पूछूं। आपसे एक प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। मेरा पहला प्रश्न, क्या आप UPPCS 2023 की तैयारी करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो 2023 में संभावित पदों की संख्या क्या होगी, यह भी आपको जानना आवश्यक है। दूसरा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आपके पास इतना ईश्वर ने विवेक सेट कर रखा है, विवेक दे दिया है, कि आप इस तथ्य को समझ पाएं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का कंटेंट कैसा है। ठीक, क्योंकि जैसे भी आप अगर YouTube खोलते हैं या किसी भी कोचिंग के नोट्स लेते हैं या किसी भी कोचिंग में एडमिशन करने जाते हैं, तो वह ऐसा आपको बताते हैं या ऐसा आपको एक संप्रेषण के थ्रू ऐसा इन्फॉर्म कर देते हैं कि 100% सिलेक्शन वही देते हैं। अर्थात कि अगर इस थ्योरी पे कोई ये कहे कि हम 100% सिलेक्शन देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और आपके इस बाजारीकरण के कुचक्र में आपको फंसा देगा। तो आप ग्रेजुएट हैं, एक अधिकारी बनने की होड़ में हैं, गरीब घर से हैं, गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि अभी आप जैसे कुछ देखिए, सब मेरे नोट्स से आ रहा है, मेरा ही नोट्स बढ़िया है, उसी को पढ़िए, इसी से सब हो जाएगा, मेरा नोट्स, मेरा नोट्स, मेरा। यह एक माया जाल है, इस माया जाल में आपको नहीं पढ़ना है, इस माया जाल में आपको नहीं पढ़ना है। आप उनके कंटेंट को देखिए, क्या उनके कंटेंट, मैं हिस्ट्री की बात करूं तो क्या उनके कंटेंट बीएल ग्रोवर को किससे हैं, क्या उनके कंटेंट बिपिन चंद्रा से हैं, क्या उनके कंटेंट सतीश चंद्रा से हैं, क्या रोमिला थापर से हैं? अगर नहीं है तो वो यूजलेस कंटेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको कोचिंग करना है, आपको नोट्स देखने हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप कंटेंट पे जरूर फोकस रहेगा कि कंटेंट किसका बढ़िया है, और इस माया जाल में मत जाइएगा, बस मेरे से। ऐसा आप करेंगे तो मैं ही हूँ, तो फिर मैं ही हूँ, उसका कोई लाभ आपको, बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरा चीज़ कि आपको पुस्तक स्वयं पढ़नी है, आपको पुस्तक स्वयं पढ़नी है, क्योंकि बुक पढ़ने का तोड़ नहीं कुछ है, किताबें पढ़ने का इसका तोड़ नहीं कुछ है, ये अपने आप में फौलाद है, इसको तोड़ा नहीं सकता, नहीं तो इसका किसी के पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत की बड़ी से बड़ी कोचिंगों के बारे में दावा कर सकता हूँ कि उनके पास भी पुस्तक पढ़ने, मतलब कि पुस्तक का तोड़ नहीं है। तो आप पुस्तक स्वयं पढ़ें, क्योंकि एक बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2023 में, इसको मैं इसलिए मैं कह रहा हूं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी को पढ़ लें, कम से कम 11-12 की तो एनसीईआरटी पढ़ ही लें। और जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ ऑटोमेटिक विकसित होगी। जब आप पुस्तक पढ़े रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जो कोचिंग हमें कंटेंट दे रही है उसके कंटेंट में दम है या नहीं है। तीसरी चीज आपके जहन में होगा कि आखिर वैकेंसी कितनी आने वाली है। जी हाँ मित्रों, आखिर वैकेंसी कितनी आने वाली है, ये आपके जहन में होगा, इसका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। जो मुझे इनपुट मिला है, जो मुझे जानकारी मिली है UPPCS 2023 को लेकर, वह लगभग 600 से 700 पदों की सीट है ये, यानी फाइनल रिजल्ट 600 से 700 के आसपास आएगा, ये इससे कम नहीं जाएगा, इससे 10-20 सीट अगर ऊपर जाती है, 700 समथिंग प्लस होता है, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 600 से 700 की सीटें PCS में आ रही हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को बुक के साथ बनाए रखें, मैं बार बार कहूँगा पुस्तक के साथ बनाए रखें, कोचिंग करें, करना भी चाहिए, लेकिन
अब सोचो कि कोई केमिस्ट्री वाला टीचर है वो भी लगे आपको सिविल पढ़ाने, कोई वनडे का टीचर है उसका नाम हो गया फलाना सर है आप उसके साथ भी चले गए पढ़ने। तो ये भटकाव है, आपको भटकाव में नहीं रहना है, आपको कंटेंट चेक करने हैं। प्लस कंटेंट कैसे चेक होगा, आपको बुक स्वयं पढ़नी है, क्योंकि इसका ये समझिए कि इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है, तभी आप किसी के कंटेंट को समझ पाए हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं 600-700 पदों के लिए कि आपका चयन सुनिश्चित हो। नमस्कार।